हाय दोस्तों, क्या आप उन जानवरों को देखना चाहेंगे जो डायनासोर एरा में होते थे? हाँ हाँ, चौंकिए मत, टर्टल्स हमारी धरती पर डायनासोर्स के साथ आए थे 200 साल पहले। बेशक ये दो ब्यूटीज अभी भी बहुत जवान है, लेकिन उनके पूर्वज एक वक्त पर डायनासोर के साथ रहते थे। और उनके अब भी घर है, हर एक के लिए। तुम्हारा मतलब है उनके शेल्स? नहीं सामी, शेल्स टर्टल्स के लिए घर की जगह नहीं ले सकते। तो फिर मुझे बताएं इस डब्बे में क्या है? एक टर्टल हाउस। इसे टेरेरियम कहते हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे क्या कहते हैं। चलो खोलते हैं। ऐसा लगता है टर्टल सब कुछ खुद अनबॉक्स करना चाहते हैं। उन्हें अनबॉक्सिंग करने दो, ये कितना मजेदार है। हर किसी को अनबॉक्सिंग पसंद है। सामी, हालांकि टर्टल एक बहुत ही चालाक जानवर है, फिर भी मुझे डर है कि वो इसे अनबॉक्स नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे अनबॉक्सिंग कर दे दो। चलो इसे एक साथ करते हैं सामी, तुम, मैं और टर्टल्स। ठीक है टर्टल्स, तुम्हें जल्दी एक शानदार अपार्टमेंट मिलने वाला है। दोस्तों, क्या आपके पास एक टर्टल पेट है? हमें कमेंट्स में बताएं। हाँ टर्टल्स, यहाँ बैठो, तुम मेरा प्रोसेस देखने वाले हो और हम शुरू कर रहे हैं। चलो एक नजर अंदर डालते हैं। वाह, यहाँ अंदर कितनी सारी दिलचस्प चीजें हैं। ये सक्शन कप पर लगा एक फिल्टर है। ये छोटा है लेकिन टेरेरियम को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके आगे एक ट्यूब है, शायद ये फिल्टर का हिस्सा है पानी को चलते रहने के लिए। और ये रहे ब्लाइंड बैग्स। खैर, बिल्कुल असली अनबॉक्सिंग की तरह। दिलचस्प है, ये लैंप की तरह दिख रहा है। हाँ, ये हमारे टर्टल्स के लिए एक लाइट है। ओह सैम, जब हम टेरेरियम की अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो हमारे टर्टल्स कहीं चले गए। चलो उन्हें जाकर ढूंढे। ओह, तुम यहाँ हो, भूख लगी है? मुझे नहीं पता था टर्टल्स स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। उन्हें क्या खाना चाहिए? पिज्जा। सामी, तुम बहुत कार्टून्स देखते हो। हाँ, यहाँ बैठो तुम दोनों, कुछ बेमस मत करना। अगला बैग वो ब्लाइंड नहीं है, मुझे कुछ फ्लावर पॉट जैसा दिख रहा है। सही कहा, बस उसमें बहुत सारे छेद हैं और इसके अंदर एक नर्म हरा पैड है। और हमारे बॉक्स में आखिरी चीज एक टर्टल बैंक है, एक मैग्नेटिक फ्लोटिंग आइलैंड, क्योंकि टर्टल्स को चढ़ने के लिए कुछ चाहिए। ओह कूल, ये मैग्नेट जरूर हमारे आइलैंड को पकड़ कर रखने के लिए होंगे। और ये रहा खुद आइलैंड। शानदार, इसका कितना अच्छा टेक्सचर है, टर्टल्स बहुत मजे करेंगे। टर्टल, तुम कहाँ हो? ऐसा लग रहा है उनमें से एक बहुत जोश में है। सू, टर्टल ने सनबाथ लेने का फैसला किया। ओ, कितना प्यारा है। लेकिन टर्टल मेरे प्यारे, घर में तुम्हारे पास अपना लैंप होगा। चलो जारी रखते हैं। ये कंटेनर सिर्फ सामने रखने के लिए नहीं है, ये तो टर्टल्स के लिए घर है। एक मिनट रुको, यहाँ एक ढक्कन होना चाहिए। ये रहा, हमने इसे बाहर क्यों नहीं निकाला? ये अभी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने प्रोटेक्टिव लेयर नहीं उतारी। कितना बढ़िया है, एक थम्स अप दे अगर आपको भी नई चीजों से प्रोटेक्टिव लेयर उतारना पसंद है। काफी बेहतर, चलो इसे लगा कर देखते हैं। बढ़िया, फिल्टर को यहाँ जाना चाहिए। अगला स्टेप है फिल्टर और पानी की ट्यूब को जोड़ना। हाँ, चलो इसे किनारे पर लगाते हैं। टर्टल्स कहाँ है? और सैम, सैम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैमी, मैं नहीं कर सकता, हम घूमने वाला कॉन्टेस्ट कर रहे थे और टर्टल्स जीत गए। उन्होंने बढ़िया किया। आओ अपना टेरेरियम बनाना जारी रखें। हमारी टर्टल्स को आरामदायक महसूस करवाने के लिए हम उनके लिए बॉटम बनाएंगे। हम कोरल के टुकड़ों और सीशेल्स का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी तरह के टेरेरियम ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटम को पूरी तरह से ढकने के लिए मैं इसे बस इस तरह डाल दूंगी और इसे थोड़ा बराबर कर दूंगी। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ये बहुत जरूरी स्टेप है, टर्टल्स को पानी की जरूरत होती है। और थोड़ा और,
हाइट तक काफी होगा। बॉटम पानी से पूरी तरह ढका होना चाहिए और ये आया हमारा तैरने वाला आइलैंड ताकि हमारी टर्टल्स पानी से बाहर आ सके। चलो इसे मैग्नेट से पक्का कर लेते हैं। आइलैंड को थोड़ा डुबवाने के लिए हम दूसरे मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। फिर से ये तो नए दोस्त बना रहा है। टर्टल और यारी एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। उनमें बहुत कुछ एक जैसा है, जैसे कि स्पीड। गैरी, तुम्हारे पास पहले से ही एक घर है और टर्टल्स को अभी भी घर में जाना है। मेरे साथ आओ, चलो पानी में थोड़ी हरियाली जोड़े। मैं इसे ध्यान से यहाँ लगाऊंगी। और दूसरा पौधा बिल्कुल यहाँ रहेगा। अब ढक्कन लगाने का वक्त है। चलो तार और ट्यूब को खाली जगह के अंदर से निकालें। फिर हम डिब्बे को ढक्कन से बंद कर देंगे और तार को इस नॉच में डाल देंगे। ये खाली जगह यहाँ एक फ्लावर पॉट के लिए है। ये एक और वाटर फिल्टर की तरह काम करेगा। हम इस छोटे से पौधे को यहाँ लगाएंगे। ट्यूब पौधे को पानी देगी और चलो पानी चालू करें। हाँ, इसे और अंदर डालें। हो गया। आपको क्या लगता है कि ये छोटी सी खाली जगह किस लिए है? लैंप। टर्टल्स को थोड़ी रोशनी की जरूरत होती है। क्या शानदार टेरेरियम है, कितना तेज और आसान। यहाँ बहुत शांति है। अब क्या? वो हैमस्टर से मिल गए हैं। कोई बात नहीं, हालांकि तुम्हारे पास सबसे बात करने का वक्त होगा और घर तैयार है। यहाँ आ जाओ छोटी टर्टल्स, ये तुम्हारा नया घर है। आराम से बैठो टर्टल्स, तुम्हारी शेल्स आरामदायक है, लेकिन एक आरामदायक और ज्यादा बेहतर है। शेल्स के बारे में बात करें तो ये उनके स्केलेटन का एक हिस्सा है। उसमें 50 हड्डियां होती हैं। तो अगर टर्टल्स चाहे भी तो बाहर नहीं आ सकते। अरे बाहर नहीं आना पड़ेगा, उनके शेल्स कितने सुंदर हैं। ओह देखो, वो फिर से कुछ खा रहे हैं। अगर टर्टल्स पिज्जा नहीं खाते तो क्या खाते हैं? वो पौधे और जानवर दोनों खा सकते हैं, जैसे कि सीवी और स्क्विड। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि वो स्लाइम नहीं खाते। टर्टल्स इतने अनोखे होते हैं कि उनका अपना हॉलीडे है। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे होता है। मैं भी तुम्हारे साथ मनाऊंगा टर्टल्स, मैं वादा करता हूँ। और हाँ, कुछ टर्टल्स पेड़ पर चढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे टर्टल्स नहीं। बेचारे, मैं उनके लिए एक पेड़ लगाऊंगा। तो आगे बढ़ो टर्टल्स, अपने नए घर की आदत डालो, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारे पास और भी दिलचस्प तरकीब है हमारे जानवरों के साथ भी। उस बेल बटन को दबाएं ताकि आप नई वीडियोस मिस ना करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय। Thank you.